गुड नून व्लॉग्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी ऐसा है कि हमने गाड़ी बुक करी थी बाघा बॉर्डर जाने के लिए और माता का मंदिर जाने के लिए, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, गाड़ी वाला वेट कर रहे हैं। वैष्णो माता के मंदिर लेके लिखा हुआ फोटो खींचना मना है उस तरफ। मेरी तरफ से जितना हो पाए तो मैं कोशिश करूँगा कि रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन अलाउड नहीं है। मैं आ गया वहाँ से, नीचे पानी है। स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा कि हम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। हम नीचे जाके ऊपर आ रहे हैं, ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं। लेकिन इतना कंफर्म है कि अभी हम ग्राउंड लेवल पे हैं। हाँ, तो गाइज हम आ गए हैं बाहर और अभी हम जाने वाले हैं नेक्स्ट प्लेस पे, जो कि नहीं पता कहाँ है, तो मिलते सीधा वहीं पर। तो गाइज हम आए हैं बाघा बॉर्डर। 50 की दो टोपी, टैटू 10 के दो टोपी, 50 में दो। हाँ, तो हम आए हैं बाघा बॉर्डर, दिखाते हैं आगे का व्यू। शाही किला वेलकम्स यू टू अतरी बॉर्डर। ओके, ठीक है, अब हम एंट्री करवाएंगे। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ बाघा बॉर्डर पे। खैर देखते हैं, पापा एक बार आ चुके हैं। पापा है ना, आप एक बार आ चुके हो ना? हाँ, मैं पहले आ चुके हूँ। बहुत अच्छा है यहाँ पे भी, सीट जितनी जल्दी अभी एंट्री शुरू हो चुकी है, जितनी जल्दी निकल जाओगे जब पहुँच जाओगे तो अभी भी सीट मिल जाएगी, तो बेनिफिट है, जितनी जल्दी पहुँच जाओगे। नहीं तो फिर पीछे आपको कुछ नजर नहीं आना है, इसलिए पीछे रह जाओगे तो आगे का जो जीरो जीरो लाइन है ना जी, वो नज़र नहीं आती है। जीरो लाइन का, जीरो लाइन है ना, बॉर्डर लाइन होती है, जीरो लाइन होती है इधर से इंडिया को, जीरो लाइन तो होते हैं। बहुत अच्छा लगता है भाई, कितने ज़्यादा गाड़ियाँ आई हुई हैं, टूरिस्ट गाड़ियाँ आई हुई हैं, टूरिस्ट कार। मतलब मेरे को ये देखने की क्राउड कितना होने वाला है वहाँ से आगे तक। यार रियल जूस नहीं मिलता क्या? उधर लेडीज लाइन है, इधर जेंट्स लाइन है। तो अभी ये धीरे धीरे लाइन बढ़ती जाएगी वहाँ तक जाने वाली है। हमारी लाइन तो खैर, हम ज़्यादा आगे लगे हुए हैं, अच्छी बात है, चांसेस है ना कि हमें आगे सीट मिल जाएगी।
चांसेस तो हैं। चलो चलो, आगे मिल जाएंगे, वो आगे मिल जाएंगे सर, ठीक है। एज आर्मी सोल्जर सेड, कीप योर मोबाइल पर्स इन योर हैंड। ओके, फिर मैं शूट कैसे करूँगा? इस रियल तो मिला नहीं, माजा ही ले लेता हूँ। पाकिस्तान के भी जो है पब्लिक आने लगी है, वो देखो मेरे को बजरंगी भाईजान याद आ रही है। तो क्या वाइब आ रही है यहाँ, मस्त एकदम पूरी देशभक्ति वाली वाइब है। इतनी कम पब्लिक है उधर। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ कर आज के शानदार दिन का आनंद लें।
ये जस्ट नजर गई, ये देखो कितना ऊपर है। कैमरे में शायद इसकी हाइट ना पता लग रही हो, लेकिन मेरे को पूरी गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है इसको देखने के लिए। तो गाइस बताना आपको ये कैसी लगी, आपको ये ट्रीट सेरेमनी, और ये अपनी वाइब जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरे को तो भयंकर गूज बम्प्स वाली वाइब आई थी बहुत बार। मतलब अभी वो सारा लेवल ना, एनर्जी लेवल वो डाउन हो गया वहाँ पे, गजब यार मजा आ गया कसम से। अपने व्यूज जरूर शेयर करना यार, इस बार भयंकर था, इस बार भयंकर था, मजा आ गया।